तो मैं कह रहा था कि वाल्मीकि रामायण जो है उसकी एज कितनी है लाइक कब लिखी गई थी अगर आप बताएं ये हम किसी को नहीं पता है अच्छा। आ, इतना हमें पता है कि आ, त्रेता में लिखी गई थी आजकल के हिसाब से लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं बट नन ऑफ द अनुमान आई थिंक इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट एंड देर एटलीस्ट एट टू टेन पीपल हु विल गिव यू द डेट ऑफ द वाल्मीकि रामायण नाउ इन द वाल्मीकि रामायण इट्सल्फ देर इज एस्ट्रोलॉजिकल डेटा अवेलेबल फॉर डेटिंग विच इज द एंशंट वे ऑफ हाउ वी यूज टू रिकॉर्ड आर डेटा आप समझे हम जो कुंडली बनाते हैं कुंडली इज तिथि एवरीथिंग वो डेटा हमें दिया हुआ है so, आपके तब भी आप लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू यू बिकॉज यू तो आपके हिसाब से कितने साल पुराना हो सकता है इट इज मच मोर एंशंट पीपल एज्यूम दैट इट इज Sure. Yes, easily. I don't want to give it a date because then that's classifying some, you know, ex-researcher. But if we take a look at the evidence, uh hathi when did they go extinct? Then the other thing is the Rakshas themselves. You know, we think that Rakshas are just another type of human being, like Homo sapiens. Now, my theory is, or my research, according to when I have read the Valmiki Ramayana, it is very clear that the Rakshas are not Homo sapiens. First of all, they have come from a totally different Prajati and uh, they are no longer on earth because one of the pledges that Bhagawan Ram takes is to uh, make the Rakshas once extinct for the द छल द कपट दैट द किंग ऑफ राक्षस डेड विद द किंग ऑफ ह्यूमन्स एंड वाई आई एम सेंग दिस इज बिकॉज अंडरस्टैंड मनु के वंशज राम जी हैं मनु जो ह्यूमन्स के जो वंश जिन्होंने चलाए हैं एंड राक्षसों के किंग जो थे वो रावण थे सो इतना छल कपट के बाद एंड uh, रावण ने सिर्फ सीता का अपहरण नहीं किया था उससे पहले उसने हजार राजाओं की पुत्रियों का अपहरण किया था इसमें से नाग मनुष्य और तरह तरह की जितनी भी प्रजातियां हो आ, संतों की बेटियां या गुरुओं की बेटियां उनको भी उठा करके ले गया था बट राम उनसे लड़े थे सो इफ यू रीड इट एंड इफ यू रीड इन द वाल्मीकि रामायण when he is trying to woo sita he speaks to her of another species she, and he he says that he, you know he makes comments on her as if that's another species of beings and if we take a look and the closest that i could find in my research according to both the descriptions

Uh, mm. वो निशाचर थे तो जी, निशा जी, में कौन चरेगा जिसको रात को ज़्यादा बेटर दिखेगा राइट वो दे हैड बेटर विजन देन अस एंड इफ वी टेक अ लुक एट द द बॉडी शेप ऑफ द नियनडालिस देन द नियनडालिस हैड बिगर आईज इज वन ऑफ द रिसर्च दैट आई रेड द सेकंड थिंग इज दैट हमारे स्क्रिप्चर्स में उन्हें राक्षस इसीलिए बोला गया है क्योंकि उससे रक्षा करनी है हमें अपनी वी हैव टू प्रोटेक्ट आर सेल्स तो जिससे अपनी रक्षा करो वो राक्षस है क्यों रक्षा करनी है क्योंकि वो उसे कैनिबल बोला जाता था वो हमें मार के काट के खाते थे इन फैक्ट वेन रावण कुड नॉट गेट सीता टू

उसमें यहाँ तक कि ये लिखा है कि जो राक्षसियां थी दे यूज टू हरास सीता कमिंग एंड लिकिंग हर दैट वी आर गोइंग टू फीस्ट ऑन हर दिस इज द काइंड ऑफ हरासमेंट सीता हैज गॉन वेन शी वॉज बींग फोर्स इन टू दी अशोक वाटे अशोक वाटे